हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सर्कुलर मोशन की डायनेमिक्स में आज हम तीन और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, ये जो मेरा व्हाइट बोर्ड है ना, इस बोर्ड को मैं स्मूथ टेबल मान रहा हूं। इस व्हाइट बोर्ड को मैं स्मूथ टेबल लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे हो जाएगी ना, कितनी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, ठीक है। और जैसे बोर्ड को मैं ये स्मूथ टेबल मान रहा हूं, मान लो यहां पे इस स्मूथ टेबल में एक कील गड़ी हुई है, ठीक है। और इस स्मूथ टेबल पे दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, एक तो 1 kg का और दूसरा 2 kg का। ये जो व्हाइट बोर्ड है, मैंने इसको स्मूथ टेबल माना है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसी हो जाएगी ना जी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और यहाँ पे इस स्मूथ टेबल या व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे ऐसे कील गड़ी हुई है, ऐसे कील, ठीक है। और ये 1 kg और 2 kg ब्लॉक इस स्मूथ टेबल पे रखे हुए हैं। तो मैंने क्या किया, इस कील से एक मासलेस स्ट्रिंग की हेल्प से 1 kg ब्लॉक को बांध दिया, ठीक है। और ऐसे ही 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में भी एक दूसरी मासलेस स्ट्रिंग लगा दी, ठीक है। तो अब इसमें क्या गिवन है, ये जो रस्सी है ना, ये रस्सी 1 मीटर लंबी है, ये रस्सी भी 1 मीटर लंबी है, ठीक है। और ये जो दोनों ब्लॉक्स है ना, ये मैंने ऐसे रोटेट करवा दिए इस स्मूथ टेबल पे, कितनी कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, 2 रेडियन पर सेकेंड। इन दोनों ब्लॉक्स को साइमल्टेनियसली ऐसे रोटेट करवा दिया, कितनी कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, 2 रेडियन पर सेकेंड। तो अब है ना, ये सर्कुलर मोशन ही शो करते रहेंगे दोनों ब्लॉक्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन साइमल्टेनियसली। 1 kg ब्लॉक 1 मीटर रेडियस का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो करेगा, और 2 kg ब्लॉक 2 मीटर की रेडियस का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो करेगा। दोनों ब्लॉक्स की एंगुलर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होगी, 2 रेडियन पर सेकेंड। तो मान लो ये तो है रस्सी नंबर 1 और ये है रस्सी नंबर 2, ठीक है। तो इन दोनों रस्सियों में टेंशन फाइंड आउट करनी है, टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग्स। और यहां पे ध्यान रहे, ये टेबल है ना स्मूथ है, तो जैसे ही मैं 1 kg 2 kg ब्लॉक को ऐसे करके छोड़ता हूं, दोनों ब्लॉक्स की एंगुलर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो जाती है, मान लो 2 रेडियन पर सेकेंड। तो इस टेबल के स्मूथ होने के कारण अब ये रुकने नहीं वाले, क्योंकि कोई फ्रिक्शन फोर्स तो आ नहीं सकता। तो अब ये दोनों ब्लॉक से सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं है। 1 kg ब्लॉक 1 मीटर रेडियस का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो करेगा, 2 kg ब्लॉक 2 मीटर रेडियस का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो करेगा। जब मान लो 1 kg ब्लॉक यहां पे पहुंचेगा ना, तो 2 kg ब्लॉक यहां पे पहुंचेगा, ठीक है। तो ये रस्सी ऐसे हो जाएगी और ये वाली रस्सी ऐसे हो जाएगी। तो ये दोनों ब्लॉक सब रुकने नहीं वाले, दोनों ही ब्लॉक से 2 रेडियन पर सेकेंड कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन शो करेंगे। 1 kg ब्लॉक 1 मीटर की रेडियस का सर्कुलर मोशन शो करेगा, 2 kg ब्लॉक 1+1 2 मीटर की रेडियस का सर्कुलर मोशन शो करेगा। तो यहां पे इन दोनों रेशियो में टेंशन फाइंड आउट करनी है। और ये ध्यान रहे, 1 kg ब्लॉक पे mg फोर्स ऐसे आएगा 10 न्यूटन, तो नॉर्मल रिएक्शन बाय स्मूथ स्टेबल N1 ऐसे 10 न्यूटन आ जाएगी। 2 kg ब्लॉक पे mg ऐसे 20 न्यूटन आएगा, और बाय स्मूथ स्टेबल 2 kg पे N2 नॉर्मल रिएक्शन वो ऐसे 20 न्यूटन आ जाएगी। तो ये दोनों ब्लॉक्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे विद सेम कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, 2 रेडियन पर सेकेंड साइमल्टेनियसली ऑफ डिफरेंट रेडियाई। 1 kg ब्लॉक 1 मीटर रेडियस का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, 2 kg ब्लॉक 2 मीटर की रेडियस का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो 1 kg ब्लॉक ऐसे घूमता रहेगा, 2 kg ब्लॉक ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता रहेगा, क्योंकि हमारी टेबल क्या स्मूथ है। तो इस रस्सी में कोई टेंशन जरूर आएगी और इस रस्सी में भी कोई टेंशन जरूर आएगी, इन दोनों रस्सियों में टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो मान लो इस रस्सी में टेंशन आई T1
और इस रस्सी में टेंशन आई टी टू। तो अब देखो 2 kg ब्लॉक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है 2 rads/s कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ही, तो 2 kg ब्लॉक पे नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवाएगा? इस रस्सी में टेंशन टी टू, और ये किसके बराबर होनी चाहिए? एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। एम 2 रेडियस 2 मीटर, ओमेगा 2 मतलब 2 का स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो टी टू की वैल्यू कितनी आएगी? 2 × 4 × 8 × 16 न्यूटन। अब आओ 1 kg ब्लॉक पे, 1 kg ब्लॉक भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 2 rads/s, लेकिन इसकी रेडियस 1 मीटर है, ठीक है। तो 1 kg ब्लॉक पे रिक्वायर्ड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल आना चाहिए, वो क्या आएगा? T1 - T2, और जो कि एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। एम 1 रेडियस 1 मीटर, ओमेगा स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर 4। तो यहां से T1 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 + T2। इस रस्सी में टेंशन T2 कितनी आई थी? 16 न्यूटन। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आ जाएगी? 16 + 4 = 20 न्यूटन। ये वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी थी T2 की, 16 न्यूटन। तो इस रस्सी में टेंशन बनी रहेगी कितनी? 20 न्यूटन। इस रस्सी में टेंशन बनी रहेगी 16 न्यूटन, और ये दोनों ब्लॉक्स साइमल्टेनियसली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते रहेंगे। दोनों ब्लॉक्स के सर्कुलर मोशन की एंगुलर वेलोसिटी 2 rads/s कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है। लेकिन 1 kg ब्लॉक 1 मीटर रेडियस का सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, 2 kg ब्लॉक 1 + 1 = 2 मीटर रेडियस का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। 1 kg ब्लॉक की जो रफ्तार होगी, मान लो वो v1 होगी स्पीड, जो कि v1 ही रहेगी थ्रू आउट जर्नी, और 2 kg ब्लॉक की थ्रू आउट जर्नी v2 रहेगी। तो v1 मतलब है स्पीड ऑफ 1 kg ब्लॉक इन इट्स एंटायर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो क्या होगी? r ओमेगा, रेडियस 1, ओमेगा 2 rads/s, तो 1 × 2, तो ये आ गई 2 m/s, अगर ये भी पूछ रखी हो तो। और अब स्पीड ऑफ 2 kg ब्लॉक है वो v2 रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और वो भी कैसे है? क्योंकि टेबल स्मूथ है। तो v2 क्या हो जाएगी? r ओमेगा, और रेडियस कितनी? 1 + 1 = 2 m, ओमेगा 2 rads/s, तो 2 kg ब्लॉक की स्पीड वो हो जाएगी 4 m/s। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। सेकंड न्यूमेरिकल, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 m/s² गिवन है, ठीक है। सेकंड न्यूमेरिकल में मान लो ये क्या है? छत, और एक जो बॉब है ना वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था। जब वो बॉटम से पास होता है ना इस पोजीशन से, तो इस बॉब की वो रफ्तार दे रखी है स्पीड 10 m/s। ये क्या है? रस्सी, मासलेस स्ट्रिंग, सिंपल पेंडुलम में जो होती है ना, इस रस्सी की लंबाई कितनी है? 2 m, और ये जो बॉब है ना इसका मास कितना गिवन है? 2 kg, ठीक है। तो ये बॉब वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, तो जब ये इस पोजीशन से पास होता ना, तो इस बॉब की रफ्तार दे रखी है स्पीड 10 m/s, ठीक है। तो इस पोजीशन पे या इस इंस्टेंट पे इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और इस पोजीशन पे इस बॉब की एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है एक्सियल वेक्टर के हवाले से, पॉजिटिव नेगेटिव के हवाले से, और इसी पोजीशन पे एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बॉब फाइंड आउट करना है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। ये है ना वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था,
तो जब ये इस पोजीशन से पास हुआ, मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट से पास हुआ, तो इसकी रफ्तार ऐसे 10 मीटर पर सेकंड गिवन है, रस्सी की लंबाई 2 मीटर है। सिंपल पेंडुलम में जो होता है ना बॉब और रस्सी, वो यहाँ पे बॉब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा ऐसे कुछ। तो जब इस पोजीशन से पास हुआ बॉब, तो उसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड गिवन है जब वो बॉटम मोस्ट पॉइंट से पास होता है या इस पोजीशन से, तो रस्सी में टेंशन क्या होगी इस पोजीशन पे, और इस बॉब की एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है एक्सियल वेक्टर के वाले से, और इस बॉब का एंगुलर एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑब्जर्वर तो यहां पे बैठा होगा ना, ये रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगा ना, ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा ना, जहां पे ये रस्सी बंधी हुई है छत के यहां पे, ये क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ द सर्कल, यहीं पे तो हमारा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है जो कि इस बॉब के सर्कुलर मोशन को ऑब्जर्व कर रहा था। तो इस ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू इस पोजीशन पे बॉब की एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और एंगुलर एक्सेलरेशन। रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन वो तो क्या रहेगी, रस्सी की लंबाई के बराबर 2 मीटर ही। अब इसको सोल्व करते हैं, इस पोजीशन पे क्या फाइंड आउट करना है, इस रस्सी में टेंशन और इस बॉब की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, जो कि यहाँ पे जहां पे रस्सी बंधी हुई है वहां पे बैठा हुआ होगा ऑब्जर्वर, और इसी पोजीशन पे या इसी इंस्टेंट पे इस बॉब का एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो अब देखो 2 kg ब्लॉक जब इस पोजीशन से पास हो रहा होगा, इसकी रफ्तार गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, तो एक तो mg फोर्स आएगा कितना 20 न्यूटन, और मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी t, ठीक है, और इस पोजीशन पे बॉब की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और कितनी गिवन है मैग्नीट्यूड में 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस पोजीशन पे या इस इंस्टेंट पे बॉब का जो है ना सेंस ऑफ रोटेशन है सर्कुलर मोशन में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, वो क्या गिवन है एंटी क्लॉकवाइज, तो ओमेगा तो पक्का पॉजिटिव आएगा एक्सियल वेक्टर के वाले से। तो अब देखो इस, क्योंकि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था इस पोजीशन पे बॉब की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड गिवन है, तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था ये बॉब वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो इस पोजीशन पे जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट से पास हो रहा था बॉब, इस पोजीशन पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये क्या है सेंटर ऑफ द सर्कल, वो क्या आएगा टी माइनस 20 नहीं आएगा बिल्कुल, और ये किसके बराबर होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर या एम बी स्क्वायर बाय आर के बराबर। रेडियस ऑफ द सर्कल किसके बराबर होगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विच इज 2 मीटर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है ये, इस पोजीशन पे क्या आएगी टी माइनस 20, तो ये किसके बराबर होगा एम बी स्क्वायर बाय आर के बराबर या एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। मैं यहाँ पे इसको एम वी स्क्वायर बाय आर ले रहा हूँ, वैसे कुछ भी ले सकते हो क्योंकि वी गिवन है ना, इसलिए एम 2 v² मतलब 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर 2। तो इस रस्सी में टेंशन इस पोजीशन पे वो कितनी आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, 10 × 200, ये आ गई 120 न्यूटन, ठीक है। तो रस्सी में टेंशन इस पोजीशन पे वो कितनी होगी, पक्का 120 न्यूटन। और देखो दो ही तो फोर्स आएंगे, एक तो mg 20 न्यूटन और एक टेंशन ऐसे बॉब पे, ये दो ही तो फोर्स आएंगे। तो देखो टेंजेंट टू सर्कल क्या कोई फोर्स आया इस पोजीशन पे बॉब पे, इस पोजीशन पे टेंजेंट टू सर्कल क्या कोई फोर्स आया, नहीं आया। तो इसका मतलब क्या होगा, इस पोजीशन पे टेंजेंशियल फोर्स वो क्या होगा 0, और जो कि किसके बराबर होता है एम आर अल्फा, मास 2 kg, रेडियस 2 मीटर, और इस पोजीशन पे अल्फा मान लो अल्फा होगा, तो अल्फा कितना आया 0, एंगुलर एक्सेलरेशन वो कितना आया 0 इस पोजीशन पे। तो क्यों आया, क्योंकि कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं है ना, तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 आया, तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि आर अल्फा के ही बराबर होता है,
इसका मतलब वो भी जीरो आया क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स जीरो आया, टेंजेंशियल फोर्स जीरो आने के कारण एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो आया, तो सीधी सी बात है कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, सारा का सारा एक्सेलरेशन कौन सा होगा इस पोजीशन पे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और वो कितना होगा अगर वो भी निकालना हो वी स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा इस पोजीशन पे वी स्क्वायर बाय आर, 10 का स्क्वायर 100, रेडियस 2, तो कितना 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो इस पोजीशन पे जब ये हमारा बॉब बॉटम मोस्ट पॉइंट से पास हो रहा है और बॉब की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड गिवन है, ये बॉब वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऐसे परफॉर्म कर रहा था, तो जब इस पोजीशन से पास हो रहा है बॉटम मोस्ट पॉइंट से बॉब की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड गिवन है, तो बॉब की एंगुलर वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है, तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, और देखो बॉब की जो सेंस ऑफ रोटेशन है ना इस पर्टिकुलर इंस्टेंट या इस पोजीशन पे वो क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब ओमेगा को पॉजिटिव लिया जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी पॉजिटिव, क्योंकि एक्सियल वेक्टर है ना ओमेगा में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव लिया जाएगा वी बाय में आर, तो 10 भाग में 2 ये कितना आएगा प्लस 5 मीटर पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी एक्सियल वेक्टर है तो इसको पॉजिटिव नेगेटिव के हवाले से दिखाएंगे, और इस पोजिशन पे बॉब की एंगुलर वेलोसिटी वो क्या लिखी जाएगी प्लस 5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। मतलब ये जो ऑब्जर्वर है जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल पे बैठा है इस पोजीशन पे ऑब्जर्वर के मुंडी के जो घूमने की रेट होगी ना वो कितनी होगी प्लस 5 रेडियन पर सेकेंड, प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होगी इस ऑब्जर्वर की मुंडी, और कितनी रेट से 5 रेडियन पर सेकेंड, जब ये ऑब्जर्वर इस बॉब पे नजर गड़ाए हुए होगा नजर बनाए हुए होगा। तो देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर 3, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, कितने गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगेन एक छत गिवन है और कुछ इस पोजीशन पे बॉब गिवन है, ये क्या है रस्सी और ये बॉब, बॉब का मास कितना है 2 kg, और इस रस्सी की लंबाई अगेन 2 meter गिवन है, ठीक है। तो ये बॉब कुछ ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, और जब इस पोजीशन से बॉब पास होता है तो इस बॉब की वेलोसिटी ऐसे गिवन है कितनी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये एंगल कितना है 37 degree, मतलब जब ये हमारी रस्सी वर्टिकल के साथ ऐसे 37 degree एंगल बनाए हुए है इस इंस्टेंट पे या इस पोजीशन पे बॉब की वेलोसिटी कुछ ऐसे 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है, तो ये क्या है सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है जो कि इस बॉब के ऊपर नजर बनाए हुए होता है ऑब्वियसली, तो ये ऐसे कुछ वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। तो जब हमारा बॉब इस पोजीशन से पास होता है, मतलब कौन सी पोजीशन, जब ये स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ एंगल 37 degree बनाती है उस पोजीशन पे बॉब की वेलोसिटी ऐसे 10 मीटर पर सेकंड गिवन है, तो इस इंस्टेंट पे रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करनी है और इस बॉब की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल पे बैठा होगा वो फाइंड आउट करना है, और एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉब इस पोजीशन पे ये फाइंड आउट करना है। तो अब इसको सोल्व करते हैं, कुछ ऐसी पोजीशन गिवन है, ये एंगल कितना 37 degree, ठीक है, बॉब का मास कितना है 2 kg, तो बॉब पे तो एमजी फोर्स आएगा 20 newton, सही बात है, और एक टेंशन फोर्स आएगा बाय रस्सी ऑन बॉब, यही तो होगा,
कितना टी। तो अब देखो अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 37 डिग्री। तो ये एंगल 37 तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 37 डिग्री। ठीक है, तो ये जो mg है ना इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो 20 न्यूटन mg को, एक तो ये और एक ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा 20 cos 37 और 20 cos 37 कितना होता है 16 न्यूटन और ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा 20 sin 37 मतलब 12 न्यूटन। ठीक है, और इसी पोजीशन पे इस 2 kg बॉब की वेलोसिटी कुछ ऐसे गिवन है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस पोजीशन पे बॉब पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल वो देखो कितना आया T-16 इतना ही तो आया और ये mv² / r के बराबर होना चाहिए m2 v² इस पोजीशन पे बॉब की रफ्तार कितनी गिवन है स्पीड 10 मीटर पर सेकंड तो 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय r रेडियस ऑफ द सर्कल वो इस रस्सी के लंबाई के ही बराबर होगा तो 2 से 2 कैंसिल 100 तो रस्सी में टेंशन कितनी आएगी 116 न्यूटन इस पोजीशन पे रस्सी में टेंशन कितनी आएगी 116 न्यूटन। ठीक है, और अब क्या फाइंड आउट करना है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है ना तो ओमेगा क्या हो जाएगा v बाय r। ठीक है, तो अब देखो इस पोजीशन पे बॉब की जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी पक्का नेगेटिव क्योंकि जब सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज होता है तो एंगुलर वेलोसिटी को नेगेटिव लिया जाता है और जो कि है भी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन इस पर्टिकुलर पोजीशन पे या इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ये कितना जाएगी वी बाय आर के फॉर्मूले से ही लेकिन नेगेटिव लिया जाएगा माइनस वी कितना 10 डिवाइडेड बाय आर रस्सी की लंबाई के बराबर 2 मतलब -5 रेडियन पर सेकंड इस पोजीशन पे या इस इंस्टेंट पे इस बॉब की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर जो कि यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल पे बैठा हुआ है वो कितनी आई -5 रेडियन पर सेकंड। माइनस साइन ये दिखा रहा है जब ये बॉब इस बॉब को देख रहा होगा तो इस इंस्टेंट पे इस ऑब्जर्वर की जो मुंडी जो घूमेगी ना वो क्लॉकवाइज घूम रही होगी और मुंडी के घूमने की रेट कितनी होगी 5 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, और अब क्या निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉब एट दिस पोजीशन या एट दिस इंस्टेंट। तो अब देखो टेंजेंशियल फोर्स कितना आया इस पोजीशन पे ऐसे आया ना और क्या 12 न्यूटन आया और ऐसे आया है तो इसको नेगेटिव लिया जाएगा -12 न्यूटन लिया जाएगा ऐसे होता तो पॉजिटिव लिया जाता तो टेंजेंशियल फोर्स कितना आया -12 इज इक्वल टू एम आर अल्फा के बराबर होता है एम 2 रेडियस 2 अल्फा एम आर अल्फा तो यहां से अल्फा कितना आ गया -3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर तो अल्फा भी एक एक्सियल वेक्टर होता है मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव तो इस पोजीशन पे जब इस बॉब की वेलोसिटी ऐसे 10 मीटर पर सेकंड गिवन है तो इस पोजीशन पे बॉब की एंगुलर वेलोसिटी -5 रेडियन पर सेकंड आएगी और इस पोजीशन पे रस्से में टेंशन 116 न्यूटन आएगी और इस पोजीशन पे इस बॉब का एंगुलर एक्सेलरेशन है ना वो कितना आएगा -3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर।